छह के बच्चे ध्यान देंगे। बच्चों आज की कक्षा में हम आपके प्रश्नों के 7.3 करेंगे, ओके, जिसमें आपको फर्स्ट और सेकंड सवाल को छोड़ देना है, क्योंकि ये आपका छायांकित भागों के आधार पर आपको बिंदु बनाना है, ओके। इसलिए आप अगर इसको चाहें तो करें, न चाहें तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड वाले को, जैसे ये आपका दिया है 7.3 में, ओके। अब यहां पर आपको इन बिंदुओं को बनाकर, इन चित्रों को पेंसिल से बनाकर, इनको जो भाग छायांकित कर रखे हैं, इन भागों को आपको छायांकित करना है, और छायांकित करने के बाद आपको इनकी भिन्न लिखना है। जैसे पहला गोला लिख दिया आपने, इसके नीचे आपको इसका लिखना है 1/2 भाग, यानी एक भाग इसका छायांकित है और 2/2। इसी प्रकार से इसमें आपके कितने भाग है, 1, 2, 3 और 4 भाग है। अब 4 में से आपके कितने भाग, 2 रंगीन है, 2 भाग, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, 2/4, ओके। इसके बाद इसके अगले वाले में आपके कितने भाग है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 भाग है। 6 में 3 भाग छायांकित है और 3 भाग आपके खुले हुए, तो आपको इसमें क्या करना है, 3/6। इसके बाद इस वाले में आपके 8 में से 4 भाग रंगीन है और 4 भाग आपके खुले हुए हैं, तो इसमें भी आपको इसी तरह करना है, 4/8। तो अगर आप चाहें तो इन चित्रों को बनाकर जो भिन्न मैंने बताई है वो लिख दे, पहले की 1/2, दूसरे की 2/4, तीसरे की 3/6, चौथे की 4/8, ओके। इसी प्रकार से इसके नीचे वालों में भी आपको करना है, जितने भाग छायांकित है उनको आप ऊपर लिख देंगे यानी अंश में, और टोटल जितने हो रहे हैं उनको आप नीचे लिख देंगे। जैसे इसमें आपके पास 4, 4, 8 और 4, 12 गोले हैं, 12 में 4 आपके छायांकित है, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, 4/12। फिर इसके बाद सेकंड वाले में आपके 9 में से 3 छायांकित है, तो 3/9। फिर इसके अगले वाले में आपके 6 में से 2 छायांकित है, 2/6। फिर इसके अगले वाले में आपके 3 में से 1 छायांकित है, 1/3। इसके बाद इसके अगले वाले में आपके 15 में से कितने छायांकित है वो देखे आप, 5 और 1 6 छायांकित है, तो कितनी हो जाएगी, 6/15, ओके। तो आप चाहे तो इस पहले सवाल की भिन्न मैंने आपको बता दी है, आप इन एक आकृति को बढ़ाती जाए और इनकी भिन्न को लिख लें, ओके। इसके बाद सेकंड सवाल में भी आपको इसी प्रकार से करना है, अगर आप करना चाहे तो, और अगर नहीं करना चाहे तो आप इस सेकंड वाले को छोड़ सकते हैं, पर आप समझने के लिए पहले वाले को तो कर ही ले, मैंने जैसे आपको भिन्न बताई है, ओके। अब इसके बाद आप सेकंड को छोड़कर 7.3 के तीसरे सवाल में चले जाए। अब तीसरे सवाल में आपको करना क्या है वो देखें आप, कि तीसरे सवाल में आपको क्या करना है, इसका तीसरा सवाल देखें आप। तीसरे सवाल में निम्न में से प्रत्येक में चौखाने को सही संख्या से प्रतिस्थापित कीजिए, यानी जो चौखाना आपको इसमें दे रखा है, जो रिक्त पद आपको दे रखा है, इसमें आपको पद भरना है। अब आप इसका पद कैसे भरेंगे, मैं आपको एक आसान तरीके से बताता हूं इसको। जैसे तीसरे का पहला सेकंड सवाल आप चाहे तो छोड़ दें, और फर्स्ट वाले की भिन्न मैंने आपको बताई दी है वो आप कर लें। अब एक एक चित्र को बनाए पेंसिल से और उसकी भिन्न को नीचे लिखते जाएंगे फर्स्ट वाले। अब जैसे आपको दिया 2/7 बराबर, ये आपको दिया 2/7 बराबर 8/8 यहां पर आपको रिक्त पद दिया है, ओके, यानी इस तरह आपको चौखाना दिया है। अब यहां पर आपको करना क्या है, यहां मान ले आपके पास चौखाने में ये मान के चले कि आपके पास x है, तो बच्चों इस प्रकार से अब जो आपको रिक्त पद दिया हुआ है ना, आपको इस रिक्त पद की संख्या ज्ञात करना है। तो आप मान ले जाए कि रिक्त पद में आप ये सोच ले कि यहां पर x दिया हुआ है आपको, इस तरह मान ले आप कि आपको x का मान ज्ञात करना है ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा, यानी 2 का x से 2 × x = 7 का 8 से 7 × 8। अब 2 का जब x से करेंगे 2x = 7 का 8 से करेंगे तो 56। अब x = 56/2, 2 से जब 56 को काटेंगे आप, 2 × 4 = 2, 8 = 16, x = कितना है आपके पास, 28, यानी रिक्त संख्या कौन सी आपकी, 28, ओके। तो आप यहां रिक्त संख्या x = 28 लिख सकते हैं, ओके। इसके बाद इसी का सेकंड बता रहा हूं आपको, तीसरे का सेकंड देखें, इसमें आपको दिया है
सेकंड के बजाय आप थर्ड देख लें जिसमें आंसर नहीं दिया हुआ है आपको, ताकि आपको दोनों तरह के समझ में आ जाएंगे। 3/5 बराबर रिक्त 20, ये आपका तीसरा सवाल है इसी का, तीसरे का तीसरा। 3/5 बराबर रिक्त 20। अब इसमें भी आपको ये यहां पर एक्स मान लिया आप, और 3/5 बराबर एक्स 20, सॉरी हाँ एक्स 20। ओके, इसका इससे कर दे, इसका इससे कर दे, तो फिर आप करेंगे 5 × x बराबर 3 × 20। 5 का x से किया तो 5x, और 3 का 20 से किया तो 7, 20 या 60, तो x बराबर 60/5। अब जब 5 से आप 7 को काटेंगे, 12 × 5 = 60, 12 आएंगे, तो x बराबर आपको कितना आया 12, यानी यहां पर आपकी संख्या क्या होना चाहिए 12। ओके, अब ये देखें आपके 12 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जब आप इस संख्या को अगर काटते हैं, ओके, तो काटने पर आपको वापस ये संख्या प्राप्त हो जाती है, जैसे यहां पर आपके 12 आए, तो 12 को जब 12/20 को आप काटेंगे तो 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, इसकी तुल्य बिल 3/5 आई के लिए। इसी प्रकार यहां पर भी आपके पास जैसे कितना आया 28, तो इसको आप 2 × 4 या 4 × 8 और 4 × 7 = 28 आ रहे 2/7। इस प्रकार आपको एक तुल्य बिंदु के लिए इस प्रकार के सवाल दिए गए। ओके, तो ये आपका तीसरे का तीसरा सवाल भी मैंने आपको करके बता दिया। अब आप इसके 3 सवालों को स्वयं करेंगे। अब मैं आपको इसका चौथे का पहला बता रहा हूं, आप चौथे का पहला देखेंगे, चौथे के पहले में आपको किस प्रकार से करना है और आप किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। अब चौथे के पहले में देखें आप, जैसे आपको दिया है 3/5 के तुल्य वो भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 20 है, अंश 9 है, हर 30 है या अंश 27 है। जैसे आपको पहला इसमें दिया है, ये चौथे का पहला है ना, इसमें आपको कितना दिया है हर 20, ये हर आपका 20 है। ओके, अब किसके तुल्य बताना आपको 3/5 के, है ना, तो आप यहां क्या करेंगे 3/5 बराबर, अब इसका हर 20 आना चाहिए, यानी यहां पर आपके पास कितने आना चाहिए 20, तो इसका अंश क्या होना चाहिए अपने को वही पहले जैसे ही करना है, एक से लिखकर इसका मान ज्ञात कर लेना है कि अंश क्या आना चाहिए, कि यहां पर जो संख्या आए वो 3 बार कट जाए, है ना। तो इसके लिए आपको फिर वही इस प्रकार से, तो 5 का एक से और 3 का 20 से, तो 5x बराबर 3 × 20 से करेंगे तो 20 या 60, तो एक्स बराबर 60/5, 5 से जब आप इसको काटेंगे तो 5 × 12 = 60, एक्स बराबर कितना है आपके पास 12, यानी यहां पर वो संख्या कौन सी होगी आपकी 12, जब 12 यहां पर आ जाए 4 × 12 = 4 × 5 = 20, 3/5 आपको प्राप्त होता है कि नहीं हो रहा है ना, इस वजह से आपको इस प्रकार से इन सवालों को करना है। तो एक मैंने आपको अंश वाला बता दिया, एक आपको हर वाला बता देता हूं। जैसे सेकंड ही आपका दिया है अंश 9 है, अंश 9 है, ओके, अब यहां पर भी आपको 3/5 क्योंकि सभी इसके बराबर ही आना चाहिए, 3/5 = 9 अंश दिया है, तो अंश हमेशा ऊपर होता है, यह अंश यह, तो 9/ अब यहां का पद आपको ज्ञात करना है, तो इसमें भी आप इसी प्रकार से 3 × x = 5 × 9, तो 3x और 5 × 9 = 45, तो x बराबर 45/3, 3 × 3 = 15 × 45, x बराबर 15। अब यहां पर अगर आपको 15 प्राप्त होते हैं तो आपका 3/5 हो रहा है कि नहीं, 3 × 9 और 3 × 5 = 15, 3/5 ही आपको प्राप्त होगा काटने पर। ओके, तो इस प्रकार से आपको चौथे के सवालों को भी कंप्लीट करना है। अब चौथे के बाद आप इसके अगले सवाल यानी पांचवे सवाल में आ जाए। 36/48 के तुल्य वो भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 9 है और हर 4,
अब इसमें आपको पांच छह के भी दो दिए, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। ये आपका पांच छह का पहला है ना, पहले में क्या दिया आपको, अंश नो, अंश नो। ओके, अब ये कह रहा है आपका छत्तीस बटे अड़तालीस के तुल्य वो अभिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश नो है ना। तो अभी इसके तुल्य ज्ञात करना आप, इसके छत्तीस बटे अड़तालीस के। अब छत्तीस बटे अड़तालीस के तुल्य भिन्न वो ज्ञात करना जिसका अंश नो है, यानी अगर आप चाहे तो इसको चार नाम छत्तीस अंश नो प्राप्त हो जाएगा आपको। देखो चार नाम छत्तीस और चार करना चार, चार दुना आठ, नौ बटे बारह प्राप्त हो रहा है कि नहीं, तो अंश नो हुआ कि नहीं हुआ इसका, हो चुका है। तो आप लिखते हैं यहां पर नौ बटे बारह। ओके, ऐसे इसने इसके अगले सेकंड में पूछा है हर चार है। अब मान लिया इसका हर चार लाना है आपको, आप छत्तीस बटे अड़तालीस बराबर, अब हर चार लाने के लिए आप क्या करेंगे, नौ चौक छत्तीस और नौ पांच पैतालीस, सॉरी नौ चौक छत्तीस और तीन नौ चौक छत्तीस, तीन से काटे आप इसको, तीन करना तीन, तीन दूना छह और तीन करना तीन, तीन छह अठारह। ओके, इसके बाद तीन चौक बारह, सॉरी दो छह बारह और दो आठी सोलह, लेकिन इसमें फिर आपको चार प्राप्त नहीं हो सकते। अगर आप नौ से करते हैं नौ चौक छत्तीस, लेकिन अड़तालीस आपका नौ से नहीं कटेगा। अब इसके सेकंड वाले में आपको हर प्राप्त करना है, यानी आपको चार प्राप्त करना है ना। ये सेकंड में आपको दिया है हर चार, हर चार। अब इसकी भी आपको दिए छत्तीस बटे अड़तालीस है ना, तो बारते छत्तीस बार चौक अड़तालीस, तीन बटे चार, हर आपको चार प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से आपको पांचवे सवाल को कंप्लीट करना है। इसके बाद आप इसके आगे चले जाए, यानी आप इसके छठे में चले जाए, इसमें दिया है जांच कीजिए कि निम्न भिन्न तुल्य है या नहीं। तो इसके लिए भी मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ छठे का भी, ताकि आपको इन सवालों को करने में दिक्कत ना आए। खैर इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, छठे में भी आपको जैसे आपको दिया है पांच बटे नौ और तीस बटे चौपन, अभी इसके तुल्य भिन्न है या नहीं, यानी तीस बटे चौपन की तुल्य भिन्न नौ पांच बटे नौ है या नहीं, तो आप इसको इस पहाड़े से काटे कि अंश में पांच बार कटे और हर में नौ बार कटे। ओके, जैसे आपको मैं आपको बोर्ड पे ही समझा देता हूं ताकि आपके अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो आपको मैं इसका छठा सवाल बता देता हूं, जांच कीजिए कि निम्न भिन्न तुल्य है या नहीं। जैसे आपको दिया है पांच बटे नौ, छठे का पहला है पांच बटे नौ कामा छत्तीस बटे सॉरी तीस बटे चौपन, ये आपका तीस बटे चौपन दिया है। ओके, अब ये तीस बटे चौपन पांच बटे नौ के तुल्य भिन्न है या नहीं, इसका आपने ज्ञात करना है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, तीस बटे चौपन में पांच बटे नौ का यानी छह का भाग लगा के देख लेते हैं, यानी इसको काट के देख लेते हैं। जैसे ये तीस बटे चौपन, इसको अपन इस उस पहाड़े से काटेंगे कि जो ऊपर पांच बार उसको अंश में पांच बार काटे और हर में नौ बार काटे, लेकिन काटने के लिए जरूरी ये है कि दोनों एक ही पहाड़े से कटना चाहिए। जैसे छह पांचे तीस और छह नवा की चौपन, पांच बटे नौ आपको प्राप्त हो रहा है, यानी पांच बटे नौ इसकी तुल्य भिन्न है, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं तुल्य भिन्न है, तुल्य भिन्न है इस तरह से। ओके, अब ऐसे इसका सेकंड आपको दिया है तीन बटे दस और बारह बटे पचास,
तीन बटे दस, बारह बटे पचास। अब यहाँ पर आप देखें कि ऐसा कोई पहाड़ा है कि जो पचास आपको दस बार तो काट दे, लेकिन तीन तीन को आप यानी बारह को तीन बार काटना चाहिए। तो आप पांच से पचास को दस बार काट सकते हैं, लेकिन बारह को नहीं काट सकते। यानी ऐसा कोई भी पहाड़ा नहीं है जिसमें पचास और बारह दोनों एक ही साथ आते हो, इसलिए ये इसकी तुल्य भिन्न नहीं है। तो आप लिख देंगे बारह बटे पचास, सॉरी तीन बटे दस, बारह बटे पचास की तुल्य भिन्न नहीं है, तुल्य भिन्न नहीं है इस तरह। ओके, ये आपका छठा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप सातवें में चले जाए, छठे की अगली जो आ रही है आपकी वो भी आपकी तुल्य भिन्न नहीं है। ओके, क्योंकि सात बटे तेरह और पांच बटे ग्यारह दिया है जो संभवतः किसी पाड़े में नहीं आते, तो इसका भी आप लिख दें तुल्य भिन्न नहीं है छठे में, छठे का तीसरे में। अब सातवें में चले जाए आप, निम्नलिखित भिन्नों को उनके सरलतम रूप में लिखिए। ये और आसान है आपका, ये आपका सातवें का पहला बता देता हूं मैं। सरलतम रूप में लिखना यानी वही तुल्य रूप में लिखना, यानी उसको काट के इतना छोटा कर देना कि उसका अंतिम अंतिम में जाकर वो कटना ही बंद हो जाए, वो उसका सरलतम रूप होता है यानी सबसे छोटा रूप। जैसे आपको दिया 48 बटे 60, सातवें का पहला, ये आपको दिया 48 बटे 60। अब आप इसको काहे से काटेंगे, ऐसे पहाड़े से काटे कि ये एक ही बार में समाप्त हो जाए, या फिर अगर आपको ज्यादा बड़े पहाड़े याद नहीं है तो आप इसको दो से भी काट सकते हैं। ओके, छोटे पहाड़े से भी कर सकती है आपकी। तो बार चौक 48 और बारह पांजे 60, यानी इसकी सरलतम भिन्न क्या है, चार बटे पांच, क्योंकि अब इससे छोटी भिन्न होना संभव नहीं है, क्योंकि ये भिन्न आपकी अन्य किसी से भी नहीं कटती। अब एक मान ले जाए आपका 150 बटे 60 ले लेते हैं अपन सातवें के दूसरे में, ये सातवें का दूसरा, इसमें आपको 150 बटे 60 दिए, 150 बटे 60। अब ये भी आपका वही है, ये सब पहाड़ा देखें आप कि एक ही संख्या से कट जाए, तो इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, एक शून्य से एक शून्य काट दें आप। ओके, और तीन दूना छह, तीनों पांच पंद्रह, पांच बटे दो। ओके, अब ये भिन्न आपकी किससे भी नहीं कट रही, इस प्रकार से आप सरलतम भिन्न के रूप में लिख दें, ये आपका सातवां हो जाएगा, बाकी तीन को आप करेंगे। इसके बाद आपका दिया है रमेश आठवां सवाल, रमेश के पास 150 पेंसिलें थी, सीनू के पास 50 पेंसिलें और जमाल के पास 80 पेंसिलें थी, चार महीने बाद रमेश ने 10 पेंसिल, सीनू ने 25 पेंसिल और 25 पेंसिल प्रयोग कर ली और जमाल ने 40 पेंसिल प्रयोग कर ली, प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों को कौन सी भिन्न प्रयोग कर ली, जांच कीजिए और प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों के समान भिन्न का प्रयोग किया है, यानी अपने उनकी भिन्नों का भिन्न ज्ञात करना है पेंसिलों की, और यह करना है कि प्रत्येक ने समान रूप से अपने अपनी चीजों का इस्तेमाल किया है। ओके, तो आप देखें इसको आठवें को, अब मैं आप इसको इसका आठवां समझा रहा हूं। आठवें में आप देखें, जैसे देखो रमेश के पास 20 पेंसिलें हैं, 20 में से उसने कितनी उपयोग कर ली, 10 पेंसिलें। ओके, तो आपकी पहले वाले की रमेश की भिन्न कितनी बन जाएगी, आठवां सवाल है आपका, है ना, तो रमेश की कितनी हो गई आपकी, यहां लिखते हैं आप रमेश की, या रमेश यहां पर लिखते हैं आप 10 बटे 20, क्योंकि 20 में 10 उपयोग कर ली है। ओके, इसके बाद रमेश के बाद आगे चले आप, रमेश के बाद है आपके पास सीलू, सीलू ने कितनी है, 50 में से कितनी उपयोग करी है, 25 पेंसिल है। ओके, सीलू सीलू ने 25 पेंसिल उपयोग कर ली 50 में से। अब सीलू के बाद और कौन आ रहा है आपके पास, जमाल, जमाल ने 80 में से 40 पेंसिल यूज कर ली, ये आपका जमाल, ये 40 पेंसिल इसने यूज कर ली 80 में से। ओके, अब
ये देखें कि क्या सभी ने समान रूप से अपनी अपनी चीजों का उपयोग किया है। देखें, दस एक करना दस, दस दूना बीस बराबर एक बटे दो, पच्चीस करना पच्चीस, पच्चीस दूना पचास बराबर एक बटे दो, और चालीस करना चालीस, चालीस दूना अस्सी, इसका भी एक बटे दो। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं हाँ, प्रत्येक ने समान रूप से अपनी पेंसिलों का प्रयोग या अपनी पेंसिलों का उपयोग किया है या समान भिन्न का प्रयोग किया है। लिख दे आप, प्रत्येक ने अपनी पेंसिल की बराबर भिन्न प्रयोग की है, प्रत्येक ने अपनी पेंसिल की बराबर भिन्न प्रयोग की है। इस प्रकार से यह आपका आठवें का आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद अब नौवे में आपका आ रहा है जोड़ी मिलान करने का। ओके, तो मैं आपको जोड़ी मिलान बुक में ही बता रहा हूं, आप स्वयं करें। जोड़ी मिलान आपको किस प्रकार से करना है, जैसे आप देखें नौवे में तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए और प्रत्येक के लिए दो भिन्न और भी लिखिए, यानी आपको इस प्रकार से इसकी जोड़ी मिलान भी करना है और इसके लिए दो भिन्न और भी लिखना है। तो अगर आप दो भिन्न और ना लिखें तो भी आप इतना काम तो जरूर करें कि इसकी जोड़ी मिलान तो आप जरूर करें। जैसे 250 बटे 40 दिया आपको, अब 250 बटे 40 दिया है तो आप एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और पांचों आठों 25, पांचों आठों 40, यानी 5/8 इसकी भिन्न बन रही है। 5/8 भिन्न आपको कहां नजर आ रही है, ये आपकी 5/8 भिन्न दिख रही है आपको। ओके, यानी आपको इस 5/8 को उठाकर इसके सामने रखना है। ओके, इसके बाद इसके आगे चले 18/200, अब यहां भी आप एक शून्य से एक शून्य काट दें और 3 2 9 18 और 2 3 20, यानी 9/10, अब 9/10 आपको कहीं नजर आ रहा है इसमें, ये 9/10, इसको आप यहां सेकंड के सामने लिखेंगे। ओके, तो फर्स्ट के सामने आपको क्या लिखना है, 5/8, सेकंड के सामने आपको लिखना है 9/10। ओके, इसके बाद फिर आप शून्य शून्य काटेंगे। ओके, और 11/66 11/99, यानी 6/9, अब 6/9 आपको कहां नजर आ रहा है, ये आपका 6/9 इसमें कहीं भी नहीं है, यानी 6/9 आपका कट सकता है। 3 2 6 3 4 9, यानी 2/3 है ना, तो आप 2/3 को देखें कहां है आपका, ये 2/3, इस 2/3 को उठाकर आप कहां रखेंगे, यहां तीसरे के सामने। ओके, इसके बाद 2/3 के बाद अब आगे बढ़े 180/360, अब यहां भी आप एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 18 करना 18, 18 2 36, यानी 1/2, तो 1/2 को आप कहां रखेंगे, 180 और 360 के सामने, 180/360 के सामने किसको रखेंगे आप, 1/2 को। ओके, इसके बाद लास्ट में आपका जा रहा है 220/550, अब यहां भी आप एक शून्य से एक शून्य काट दें और 11 2 22 11/5 55, 2/5, 2/5 की भिन्न कहां है आपकी, ये 2/5। ओके, तो आपको इस प्रकार से सही जोड़ी मिलान करना है और मिलान करने के बजाय आप इसको सामने सही सही रख दें। ओके, मैं एक बार और बता देता हूं आपको, पहले में आपको लिखना है 5/8, दूसरे में आपको 9/10, तीसरे में आपको 2/3, चौथे में आपको 2/5, सॉरी चौथे में आपको 1/2 और पांचवे में आपको 2/5 रखना है। ओके, तो इस प्रकार से आप अपनी जोड़ी का मिलान कर लें और इस प्रश्नावली को समाप्त करें। ओके, फिर भी आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप संपर्क कर पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप द्वारा अपने समस्या का समाधान करवा सकते हैं। ओके बेटा, धन्यवाद।